तो नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड होते हैं? देखो, पांच ऑक्साइड होते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में, +3 में, +4 में और +5 में। ठीक है, +1 वाला ऑक्साइड कौन सा होता है? N2O, +2 वाला NO, +3 N2O3, +4 वाला NO2, या फिर ये डाइमराइज होके N2O4 भी बन जाता है। ओके, डाइमर बन के ये +5 वाला N2O5। समझ में आ गई बात है? इसमें क्या होता है, ये जो पहले होते हैं N2O और NO, ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल और न्यूट्रल न्यूट्रल। देखो, आपको न्यूट्रल ऑक्साइड ये याद रखना है, NO, CO, NO, N2, ये तीन ऑक्साइड याद रखना, न्यूट्रल होते हैं। ओके, हालांकि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, हमने क्या पढ़ा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, पर ये तीनों न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ओके। फिर N2O3 क्या होगा? ये तो एसिडिक होगा ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, तो इनका नेचर याद रखना एक तो। फिर इनका कलर याद रखना, ये कलरलेस है, दिस इज कलरलेस गैस, दिस इज कलरलेस गैस, ये ब्लू सॉलिड है N2O3, दिस इज ब्लू सॉलिड। NO2 इज ब्राउन गैस, NO2 इज ब्राउन गैस, ये तो हमने बहुत बार देखा है ना, NO2 ब्राउन गैस होती है। और N2O4 ये ब्राउन गैस ही है, NO2। N2O4 जो है वो कलरलेस सॉलिड या लिक्विड है, कलरलेस सॉलिड और लिक्विड, और N2O5 कलरलेस सॉलिड है। ओके, तो ये इनका अपियरेंस हो गया, ये ऑक्साइड है। फिर एक तो आपको ये टेबल याद करना है, दूसरा फिर आपको इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो याद नहीं करना, वो प्रैक्टिस से आएगा। तो ये देखते हैं, अब इसी पे क्वेश्चन है, व्हाट इज कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एक एलिमेंट। तो N2O5 में नाइट्रोजन चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसकी कोवेलेंसी कितनी है? चार। ये उसका लुईस स्ट्रक्चर बनाया हमने, देखो N2O5 का। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज देखे तो यहाँ पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं और ये यहाँ जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया इसका, ऐसे यहाँ पे भी हो सकता था, वो यहाँ करा नहीं, हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बात। अब फिर क्या है, वाई डज NO2 डाइमराइज, NO2 डाइमर बन के, मैंने क्या बताया कि ये NO2 है और ये डाइमराइज होके N2O4 बन जाता है, ऐसा क्यों करता है ये मुझे बताओ। NO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7, ऑक्सीजन में 8, 8 होता है ना, 8 × 2 = 16, कितने हो गए टोटल, ये 16, 23। 23, 23 तो ऑड हो गया ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट तो पूरा कभी हो ही नहीं सकता, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब तो कुछ ऑक्टेट पूरा होगा ना, ये बात समझ में आ रही है, तो इसका ऑक्टेट तो पूरा हो नहीं सकता, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आएगा, दिस इज NO2, इसका स्ट्रक्चर बना, देखो मैं बना के दिखाया, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, आउटर मोस्ट में 5 ही होते हैं ना जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 6, 6 हो गए, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 हो गए। अब ऑक्सीजन को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? दो चाहिए, तो वो दो बॉन्ड बना लेगा इसके साथ और इसके साथ, ये वाला ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो गया पूरा, ये बात समझ में आ रही है, इसका ऑक्टेट हो गया पूरा। अब क्या है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अब दो चाहिए, तो ये बोलेगा मैं भी दो बॉन्ड बना लेता हूं, तो अगर ये दो बॉन्ड बना लेगा
सपोज बना ले दो बॉन्ड, तो फिर नाइट्रोजन के पास तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, सपोज ऐसा होता है। एन डबल बॉन्ड ओ चाहिए, ठीक है बराबर, एक सेकेंड, एन इसके साथ भी डबल बॉन्ड ओ कर लो, ठीक है। इसके साथ तो पहले ही बना रखा है उसने, 1 2 3 4, अब यहाँ 4 बचेंगे ना, 1 2 3 4, और यहाँ 1 बच गया, कितने हो गए नाइट्रोजन के पास, 9 हो गए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 9 कैसे रख लेगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बोलेगा मैं तेरे साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ऑक्सीजन बोलेगी मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर तो बोलेगा मैं देता हूँ। ये दोनों क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा उसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ऐसे बन जाएगा ये एन ऐसे ओ। ऑक्सीजन के पास 6 के 6 रह जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से आएंगे। अब उसने मतलब डोनेट नहीं किया, शेयर किया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को भी बिलोंग करते हैं, ऑक्सीजन को भी बिलोंग करते हैं, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया ना, हो गया ना, नाइट्रोजन का हुआ पूरा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ही है, 7 इलेक्ट्रॉन ही है ना इसके पास, देखो 3 तो बॉन्ड हो गए तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो फिर ये क्या करेगा अब, ये तो इसका ऑक्टेट तो पूरा हुआ ही नहीं, ये बोलेगा एक और मॉलिक्यूल को, यार हम लोग आपस में कुछ जुगाड़ करते हैं, देखो एन डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, ये है एक और भी तो होगा ऐसे, एन डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे। अब देखो हो गया ना पूरा ऑक्टेट नाइट्रोजन का, हो गया पूरा ऑक्टेट, तो फिर इसलिए टाइम राइज इसलिए करता है ताकि ऑक्टेट पूरा हो सके। देखो ये उसकी लुई स्ट्रक्चर रेजोनेंस बनाया हुआ है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नाइट्रोजन इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन NO2, इसलिए NO2 अनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो डाइमराइज कर जाता है, NO2 कूल करोगे तो N24 बन जाएगा, N24 में उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, देख सकते हो आप, ठीक है बात है? चलो नेक्स्ट, अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो हमने ऊपर करी ली, NO2 की ये होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, N2O5 की N2 टीचर का है। नीचे, ठीक है। यस।